इस मंदिर का पौराणिक महत्व बताइए। इस मंदिर की स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 21 मार्च 1766 को शुक्रवार के दिन की गई। उस समय इनके सुपुत्र मालेराव को गादी पर बिठाया था। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस मंदिर की स्थापना की। किंवदंती ऐसी है कि यह मूर्ति स्वप्न देकर के सामने स्थित बावड़ी में से निकली थी। माँ की यह संगमरमर की चतुर्भुजा मूर्ति है और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। माँ के दाएं हाथ में खड्ग और त्रिशूल है, बाएं हाथ में घंटा और मुंड है। इस प्रकार से यह एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर प्रतिमा उस इंदौर में विराजमान है। भक्तों की माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्त लोग गोद भरते हैं और भी जो चुन्नी है, नारियल है, ध्वजा है, गेहूं चावल है, इस तरह से चढ़ा करके और भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। हर सिद्धि यह नामकरण भगवान शिव जी के द्वारा किया गया। चंड प्रचंड नामक राक्षसों का संहार करने के बाद शिव जी ने यह नाम दिया था। दोनों नवरात्रि चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में हजारों भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई संतान के लिए आता है, कोई मकान के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि संतानों में भी माँ ने उनको दो दो संतान एक साथ दी, दोनों पुत्र दिए हैं। इस तरह से माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि में यहाँ 3 समय आरती होती है, सुबह 7:30 बजे, 10 बजे और रात्रि के 9 बजे। अष्टमी के दिन यहाँ दुर्गा सप्तशती के द्वारा हवन किया जाता है। नवमी के दिन कन्या भोज, कन्या पूजन होता है। दशहरे के दिन माँ की सिंहवाहिनी की सवारी होती है। इस तरह से यह मराठाकालीन मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाहर अष्टभैरव की प्रतिमा है जो बहुत दुर्लभ रहती है। गणेश जी और हनुमान जी के सहित अष्टभैरव बहुत कम मंदिरों में मिलते हैं। इस तरह से यह तांत्रिक और वैदिक दोनों विधि से इस मंदिर की स्थापना की गई। अब जहाँ तक ये पुजारी का सवाल है, मंदिर मेरे ससुर जी जिन्होंने इस मंदिर में कम से कम 70-80 वर्ष सेवा की, उसके बाद में भगवती ने मुझे सौभाग्य दिया है सेवा